भाई सिंदड़ी की थोड़ा चल रही है काम, क्लियर चल रहा है। देखो काम कर रहे, गर्मी है, पसीना आ रहा है, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा यार। तो इधर ये भाई पैक कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला करम फजल व शुक्र के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो भाई साहब आज चल रही थी आमों की तोड़ाई, सारा प्रोसेस मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से तोड़ाई हो रही है और क्या क्या हो रहा है, तो सारा प्रोसेस आगे चल के आपको दिखाते हैं। तो इधर तोड़ाई का काम शुरू है, प्लास्टिक की टोकरियाँ हैं, तो अभी ये चौसा है, चौसे की तोड़ाई हो चुकी है कम्प्लीट। तो अभी ये भाई साहब इस टोकरी में डाल रहे हैं, ये प्लास्टिक की टोकरी है। तो देखें जैसा कि भाई साहब दिखा रहे हैं हमें सिंदड़ी, हमें भी दिखाओ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, इधर सारी टोकरियां पड़ी हुई हैं, ये हैं प्लास्टिक की टोकरियां और ये सिंदड़ी आम है, इसकी तोड़ाई जारी है और बाकी कुछ आमों की और तोड़ाई हो रही है, तो वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ऊपर से आम तोड़े जाते हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है। तो भाई साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे कैमरे पर या नहीं? उर्दू काम होती है, कभी कभी हटाती है, कभी बोलता था उर्दू भाई। सिंदड़ी की तोड़ाई चल रही है काम, क्लियर चल रहा है, क्लियर वन नंबर आ रहा है। से पूछ ले, दो तीन चार गुप्ते मुझे नहीं आ रहा और तो नहीं आ रहा। कम बाकी इधर से तोड़ाई करने के बाद इधर से आमों को कलेक्ट किया जाता है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं भाई साहब ये कलेक्ट कर रहे हैं इधर इस टोकरी में। तो ये भी गाइस आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा आम अभी तोड़ दिया है, इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे आम पड़े हुए हैं, ये मुझे लगता है पक्का हुआ है। तो गाइस ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये आम थोड़ा सा पक्का हुआ है, अभी भी थोड़ा बहुत कच्चा है, यानी आप मीडियम पक्का हुआ इसे बोल सकते हैं, बाकी ये एक दिन में अच्छे से पक जाएगा। तो भाई कुछ इस तरीके से टूल होते हैं हमारे पास आम तोड़ने के लिए। ये भाई साहब ये सारे आम तोड़े हैं। भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे? हमारा उस्ताद है, ये ऊपर चढ़ा है, हमारा जाटा है, हमारा शागिर्द बच्चा है, बहुत अच्छा काम करता है, जाटे भी वीआईपी करता है। आप हम तो एक भाई साहब ऊपर चढ़ा हुआ है, वो तोड़ रहा है ऊपर से आम। ये काम बहुत मुश्किल होता है, ऊपर से आम तोड़ के नीचे फेंकना। भाई ये एक बात मैं आपको बता दूं कि ये डायरेक्टली नीचे क्यों नहीं फेंकते आम, कैच क्यों करता है भाई, ये इसलिए नहीं करते ये काम, डायरेक्ट क्यों नहीं फेंकते, क्योंकि ये ऊपर से ये नीचे गिरेगा डायरेक्टली, तो ये आम पकने के बाद इसमें ब्लैक डार्क स्पॉट्स आ जाएंगे, इसमें दाग हो जाएंगे ब्लैक ब्लैक पकने के बाद, अभी तो कुछ नहीं होगा इसे। साहब ये कैच कर रहे हैं, आपको दिखाता हूं मैं, ये देखें ये ऊपर से भाई फेंक रहा है। ये बंदा गिरने वाला था क्योंकि ये टहनी टूट गई है। ये ऊपर चढ़े हुए हैं, ये गिरने वाला था, ये टहनी टूट गई है इधर अभी अभी मेरे सामने, इसीलिए तो मैं बोल रहा था ये काम बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ये काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि टहनियाँ बहुत कमज़ोर भी होती हैं, तो पता नहीं चलता ये कभी भी टूट जाए। तो भाई आगे चलते हैं, अभी और भी देखते हैं क्या क्या चल रहा है आगे। ये जैसा कि आप देख सकते हैं भाई लेके आया है हमारे लिए एक पक्का हुआ आम, तो थैंक यू भाई। देखो काम कर रहे, गर्मी है, पसीना आ रहा है, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा यार। भाई ये प्लेट पड़ी हुई है सोलर, तो इस पे मोबाइल फोन चार्ज करते हैं। ये है लगड़ा, तो आपको दिखाते हैं एक, ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये देखे जैसा कि आप देख, ये भाई ऊपर से तोड़ रहा है। ओ शिकलो इडा का जो थोरियो, हां कैमरा इडा घुमा जो थोरो, हां इन पासे
जैसा कि वो देख सकते हैं ये दो बड़े वाले पेड़ हैं, तो भाई साहब ये इधर ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ये भाई कैच करने के लिए इधर रुके हुए हैं। तो इधर पक्के हुए आम भी पड़े हुए हैं, आपको दिखाते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इसको इधर से पंछियों ने खाया है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं निशान बना हुआ है, बाकी ये रख देते हैं। बाकी आगे चल के आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इन आमों को एक साथ इकट्ठा करके और पैकिंग के लिए किस तरीके से लेके जा रहे हैं ये लोग, वो सारा प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो भाई कह रहे हैं ये वीडियो फेसबुक पे भी डाल देना, ताकि वो सारे हमारे दोस्त फ्रेंड्स रिलेटिव्स देखें। और आगे खाना पक रहा है इन मज़दूरों के लिए, वो सारा मैं आपको दिखाता हूँ। जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए खाना भी पक रहा है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो भाई साहब इधर रोटियां पक रही हैं, जो काम कर रहे हैं उन सब के लिए रोटियां इधर पकाई जा रही हैं। तो दोनों भाई काम कर रहे हैं, इधर रोटियां पकाएंगे और सब्जी भी तैयार होगी ना भाई? सब्जी अभी तैयार होगा भाई, भाई कह रहे हैं सब्जी अभी कुछ देर में तैयार होगी। तो ये रोटियां अभी तो पकाई जा रही हैं, रोटियां पकाने के बाद शायद सब्जी पकाई जाएगी, क्योंकि एक ही इधर चूल्हा है। तो आपको ये भी दिखाते हैं कि रोटी कितनी बड़ी है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं पड़ी हुई है। तो भाई आप कैमरा पकड़ें, थोड़ा सा मैं रोटी दिखा दूँगा। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये रोटी कितनी बड़ी है, ये जैसा कि आप देखें सही। तो अभी रख देते हैं इस रोटी को इधर। तो इधर सब्जी पड़ी हुई है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इधर कुछ मसाले हैं, भाई लोग अपना काम करेंगे, तो हम आगे चल के आपको दिखाते हैं कि आम किधर रखे जा रहे हैं और कैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो ये देखिए गाइस इस तरीके से टोकरी में आम भरे जाते हैं। हेलो खड़िया स्टॉल था आज ना स्टॉल था हां स्टॉल का ले जा तू जो मुई भर जे तो हां ये चल के तोरे धदू को रे तो इधर से जाएंगे। तो इधर गाइस पेटियां बनाई जा रही हैं जिनमें इन आमों को पैक किया जाएगा, वो सारा आपको दिखाते हैं। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं भाई साहब सेटिंग कर रहे हैं। क्या बना रहे भाई? व्लॉग बना रहे हो? हाँ। तो ये देखें भाई साहब इधर ये इस तरीके से कुछ इसका डिजाइन बना जाता है।
तो अब इधर तो ये देखिए भाई साहब, ये कंप्लीट बन जाती है तो इधर रखी जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये अपना मार्क लगा रहा है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं इधर कलर रखा हुआ है। तो ये ऊपर रख के इसके ऊपर ब्रश घुमा देते हैं तो उधर अपने आप ही एक पेटी पे मार्क बन जाता है, साइन जैसा एक ब्रांड का होता है। तो ये सारा प्रोसेस ऐसा ही है। इधर जो पेटी कंप्लीट बन जाती है तो इधर रखी जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये अभी रेडी है, इनमें आमों को पैक किया जाएगा। सबसे पहले इन आमों को सेपरेट किया जाता है, ये जो एक माल होता है ये सुपर होता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है, ये सारा आपको दिखाते हैं। तो इधर मार्क बन चुका है तो अभी भाई लोग इधर पैक करेंगे। ज़्यादा वो माल पाते हो तो इधर ये भाई पैक कर रहे हैं, तो आपको सारा सीन दिखाते हैं। तो भाई साहब कारपेट अभी आप नहीं डाल रही क्या? नहीं कारपेट नहीं डाल रहे, माल कच्चा जा रहा है। तो ये माल कच्चा जाएगा, अभी कारपेट के साथ पैक नहीं कर रहे तो ये माल कच्चा जाएगा इसीलिए। तो पिछले साल जैसा कि आपने देखा था इसमें कारपेट डाल रहे थे भाई, तो इस बार कह रहे हैं कि माल कच्चा जाएगा तो इसीलिए कारपेट नहीं डाल रहे। बाकी ये माल, ये जो सुपर है, ये भाई सुपर है ना, तो ये भाई कह रहे हैं ये सुपर है, एक नंबर जिसे कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आम, ये बड़े बड़े आम इस तरीके से इधर रखे जाते हैं अलग, बाकी ये छोटे वाले आम ये सेकंड नंबर पे रखे जाते हैं, ये अलग किए जाते हैं। बाकी इधर पेटियों को पैक करने के बाद इस जगह पे इकट्ठा किया जाता है। तो पैक करने के बाद इधर इस गाड़ी में इसे लेके जाएंगे। तो फाइनली गाइस आपने सारा प्रोसेस देखा, जैसा कि पैकिंग से लेकर हमने सारा प्रोसेस आपको दिखाया। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में घंटी के आइकॉन को ज़रूर दबा देना, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच सके। बाकी इस वीडियो के बारे में जो भी राय है आपकी, आपको वीडियो ये कैसी लगी है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। बाकी आप ये वीडियोज़ चेक कर सकते हैं, साइड में इन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।